अस्सलाम वालेकुम। 12 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है कि हमारे पास दिया हुआ है वाई ई रेज टू पावर एक्स और एक्स क्यूब प्लस 2x² + 1। तो हमारे पास ये दो फंक्शन है, फर्स्ट और हमारे पास है ये सेकंड। हम प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है? अगर यू वी फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट फार्मूला होगा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो वाई है, हम इसको क्या लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स। नाउ इट्स अ फर्स्ट फंक्शन और हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है सेकंड फंक्शन पे, एक्स क्यूब प्लस 2x² + 1। नाउ सेकेंड फंक्शन राइट करेंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन। अब ये तो फर्स्ट फंक्शन एट इज, अब हमारे पास एक्स क्यूब है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर को जो भी है वो स्टार्ट में लेके आएंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे, 3 - 1। सिमिलरली 2 को स्टार्ट में लेके आएंगे, 2 to the 4 और पावर में एक लेस करेंगे। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस 2x² + 1 की पावर क्या आएगी? माइनस एक्स। तो आगे एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में क्या होता है? जो भी पावर है उसको हमने रीराइट करना होता है। अब इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो की पावर माइनस एक्स है और ये बचेगा 3x² + 4x। ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। और ये वैल्यूज जो हैं ये सारी साइन चेंज करेंगे हम इसके, तो क्या आएगा? x³ - 2x² - 1 आ जाएंगे। अब इस तरह से e की पावर माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम राइट करेंगे वो हमारे पास है 3x² और माइनस के 2x², तो इस तरह से माइनस होंगे तो क्या बचेंगे? x². उसके बाद हमारे पास 4x है और उसके बाद हमारे पास माइनस के x³ है और बचा माइनस के 1। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्लस के वाई की जो पावर है वो आ रही है, वाई दिया हुआ है, एक्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है वाई एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स। तो एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ई साइन एक्स सेकेंड फंक्शन है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स राइट करेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन और हमने डेरिवेटिव लेना है सेकेंड का, जस्ट हमने फार्मूला राइट किया। नाउ अगेन सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव हमने राइट करना है फर्स्ट का। अब ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स ई की पावर आ रही है साइन एक्स, हमने डेरिवेटिव लेना है जो भी ये एक्सपोनेंट है साइन एक्स का, फिर ई की पावर आएगी साइन एक्स और एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। इन दोनों में क्या हमारे पास कॉमन है? ई की पावर साइन एक्स, तो हमारे पास एक्स आ गया और साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे हमारे पास सारा ही कॉमन ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास? 1। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी एक्स का। अब 11 पार्ट में है वाई इक्वल्स टू 5e^3x - 4। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट, तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स 5। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट राइट करते हैं और जो भी इसके साथ एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ई की पावर हमारे पास 3x - 4 है और हमने डेरिवेटिव जो लेना है वो लेंगे 3x - 4। अब आएगा 5 ई की पावर 3x - 4। अब डेरिवेटिव जो ले रहे हैं वो 3x का सेम है, डेरिवेटिव आएगा वो 1 आएगा।
कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली 5e की पावर 3x माइनस 4 इंटू क्या आएगा 3, तो 5 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा 15e की पावर 3x माइनस 4, ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा dy/dx। टू के 12 पार्ट में है y+2x+1 raised to power x, तो पावर वेरिएबल है, हमने इसके लिए टेकिंग नेचुरल लॉ बोथ साइड लेंगे। जो पावर हमारे पास वेरिएबल है तो इसलिए हमने क्या लिख लेंगे, log y log into x plus 1 raised to power x। अब जो पावर है हम उसको लेके आएंगे स्टार्ट पे, तो बनेगा log into x plus 1 और हमारे पास log y है। अब दो फंक्शन बन गए, ये फर्स्ट और हम ये सेकंड, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम इस पर, प्रोडक्ट फार्मूला। वो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई है क्या लिख लेंगे 1/y, और वाई की वैल्यू लिख लेंगे dy/dx। तो फिर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और लॉग एक्स प्लस वन है, तो हम डेरिवेटिव राइट करेंगे सेकंड फंक्शन का, तो क्या आएगा लॉग एक्स प्लस वन, फिर सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव हमने लेना है फर्स्ट का। इस तरह से एज इट इज 1/y और dy/dx, x वैसे ही आएगा, और लॉग को हमने हल करना है तो हम क्या लिख लेंगे 1/x+1, और हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा x प्लस वन का। सिमिलरली लॉग x प्लस वन का और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो 1 आएगा। अब ये y तो डिवाइड हो रहा था हमारे पास, जब इसको लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके आएंगे तो y होगा मल्टीप्लाई, इधर आएगा x/x+1, तो इस x का डेरिवेटिव 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 0। सिमिलरली लिख लेंगे log x+1, डिनोमिनेटर में इसके 1 है। तो अब हमने एक तो y की वैल्यू पुट करनी, y क्वेश्चन में हमारे पास था किसके इक्वल, वो राइट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू हमारे पास है x+1 raised to power x फ्रॉम इक्वेशन 1, और बाकी हमने इसका लेना है एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम इसका x प्लस वन है ऑलरेडी, क्या आएगा x और x प्लस वन, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो इसके साथ x प्लस वन आ जाएगा और क्या आ गया log x प्लस वन। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। थर्टीन पार्ट में है कि हमारे पास log है पावर में, तो हम क्या करेंगे इसको, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड लेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे नेचुरल लॉग और सिमिलरली नेचुरल लॉग लॉग एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स। इस तरह से ये जो पावर है ये कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट पे, और हम इसको लिख लेंगे लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स। अब ये फिर फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास बन गया सेकंड, और हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 log y है, इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1/y, और फिर y का हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये आएगा फर्स्ट फंक्शन और हमने डेरिवेटिव लेना है हमने सेकंड का, यह आएगा log into log of x प्लस सेकेंड फंक्शन, और हमने डेरिवेटिव जो लेना है वो हमें लिखना है फर्स्ट का, ये हमने सेकेंड का डेरिवेटिव और इसके बाद हमने ये फर्स्ट का लिया है। अब 1/y और dy/dx है, इसके बाद आएगा log x और डेरिवेटिव ले लेना है जो भी log के बाद वैल्यू है इसको 1/ राइट की है, और इसी का ही हमने ऊपर न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो गई। फिर लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स, और ये लॉग को हल करना है 1/x, जो भी लॉग के बाद वैल्यू है उसको, और 1 वैसे राइट कर लिया,
अब ये जो y डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, जब ये राइट साइड पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये जो लॉग एक्स है इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/x, और एज इट इज लॉग इनटू लॉग एक्स ओवर एक्स हम इसको राइट कर लेंगे। अब y की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम इसमें पुट अप करेंगे इसमें, कि जो y की हमारे पास वैल्यू थी इसमें वो हमारे पास थी लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जो वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी फ्रॉम द इक्वेशन 1, वो हम लिख लेंगे लॉग एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स। इस तरह से दोनों का जो एलसीएम सेम है वो हम वैसे ही राइट कर लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। में 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, वाई किसके बराबर है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इससे पहले हमें हल करने से पहले कॉस हाइपरबोलिक का हमें डेरिवेटिव आना चाहिए, वो होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसी को देख के हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो कॉस का हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक, और जो भी एंगल है वो वैसे ही रहने देंगे, और इसका फिर आगे हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास है 2x। तो सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 स्टार्ट पे लिख लेंगे, हाइपरबोलिक और 2x, ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। सेकेंड पार्ट में वाई किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक के। तो जब इसका साइन का हम डेरिवेटिव लेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का, तो वो क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो साइन का हमारे पास क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 3x, और डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x कॉस हाइपरबोलिक 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 3 आएगा, और कॉस हाइपरबोलिक और 3x, ये आंसर आ गया इसका डी वाई ओवर डी एक्स का। क्वेश्चन 3 में है वाई टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, टेन इनवर्स में प्लस था, इसमें यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, टेन है तो क्या आएगा 1 माइनस जो भी एंगल है क्या है हमारे पास वो साइन स्क्वायर, फिर इसी का हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास डेरिवेटिव हमने लेना है साइन का, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इस तरह से कॉस कॉस से क्या होगा, कैंसिल होगा, अब क्या आएगा 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस हमारे पास क्या होता है, वो सीकेंट एक्स होता है। वाई किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के। तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक का हमें आंसर आना चाहिए डेरिवेटिव का, तो 1/1 अपॉन एक्स स्केयर और स्केयर रूट, यही हम अप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका हमने स्केयर लेना है और स्केयर रूट, और हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x² 1 प्लस 3 की पावर 2 है, तो वो कितना आ जाएंगे 6। इस तरह से हमारे पास इसके डेरिवेटिव का आंसर आ गया। तो पार्ट में टेन हाइपरबोलिक है हमारे पास, तो हमें फॉर्मूला टेन हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव का, पांचवें पार्ट में हमारे पास है टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा
डी वाई ओवर डी एक्स, पहले तो लॉग को हल करना है, जो भी लॉग के बाद वैल्यू है उसको 1 ओवर, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है टेन हाइपरबोलिक एक्स का, तो 1 अपॉन टेन क्या आएगा हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और टेन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसलिए हमने इसको जो कॉट आएगा हमारे पास वो होता है कॉज हाइपरबोलिक ओवर साइन हाइपरबोलिक, और सीकेंड स्केयर होता है वो सीकेंड किसके रेसिप्रोकल है हमारे पास 1 ओवर कॉस के, इस पर भी स्केयर है तो उधर भी स्केयर आएगा तो ये कैंसिल होगा, इस तरह से हमारे पास बचेगा 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस, अब ये वाला भी ठीक है लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने डिवाइड किया, इससे क्या होगा हमारे पास कि हमारा ये जो फार्मूला बन रहा है ये डिनोमिनेटर में ये डबल एंगल का बन रहा है, तो ये बनेगा 2 साइन हाइपरबोलिक और 2x, अब साइन रेसिप्रोकल में यानी 1 ओवर साइन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोसिक्वेंट हाइपरबोलिक और 2x हम राइट कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स को, ठीक है 6 पार्ट में है साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स का आंसर आना चाहिए वो होगा 1 प्लस एंगल का स्केयर, एंगल हमारे पास जो भी है डी वाई ओवर डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस जो भी हमारे पास एंगल है हम उसका स्केयर लेंगे और होल का स्केयर, फिर हमने डेरिवेटिव लेना है इसके एंगल का, अब ये जो 2 है 2 का स्केयर तो हमारे पास क्या आएगा 4 वेल्सम ले लिया, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्केयर और स्केयर रूट, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, अब 1 इसके बाद आएगा 4 प्लस एक्स स्केयर, 4 का स्केयर रूट क्या आएगा 2, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2, 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्केयर और स्केयर रूट, इस तरह से हमारे पास इस